सेब लो संतरा लो रनील लो। वो देख चीकू वाला, सेब लो संतरा लो चीकू लो, तो चीकू खवा दे चल। सेब लो संतरा लो चीकू लो, राम राम चाचा, राम राम बेटा, राम राम चाचा। ये आलू कैसे दिए बेटा? ये आलू ना चीकू है चीकू। चाचा हम सिकलते ही तो पागल से लगते होंगे, तू तो सच्ची बेवकूफ मान रहा है। कैसी बात कर रहा है बेटा, ये चीकू है चीकू। यार अनिल, चाचा तो हमें शिकारपुर का समझ रहा। बताता हो तो बता देना, तो हम कहीं और तक खरीद लेंगे। अब तुम मेरे चीकू को आलू बताओगे तो मैं भाव कैसे बताऊंगा? तो अब थारे कहने तो हम आलुओं को चीकू मान ले। मैं लो बेटा, तुम खा के बताओ ये आलू है या चीकू। माफ करिए चाचा, ये तो वाकई चीकू है। पर चाचा हमें तो आलू आलू खरीदने थे। आलू कलयुग में भी कितने भले बच्चे हैं, चीकू को भी आलू बता रहे हैं। बनाएंगे ना तेरा, तेरे तो चीकू ही हैं। मेरे भाई के सारे तरबूज खा के काशी फल बता के छोड़ दई ना। हैं छोड़ दई ना? छोड़ने का तो नाम ही ना ले मेरे से, मेरे धोरे ना है टाइम इतना। देखो जी, आरती को पेपर दिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, वो दूसरे घर से आई है, उसे समय से लाने ले जाना तुम्हें ही पड़ेगा। यहाँ इतने काम पड़े हैं और उसका पेपर भी 3 घंटे का है। मैं अगर गया तो नील फिर भी कुछ ना करने का, इससे तो वही उसे छोड़ जाएगा। हाँ यू भी ठीक है, छोड़ के आने के साथ साथ लेके भी आना है। ओ लाट साहब यहाँ को आ जा। के बात है, कल तारती की पेपर है, उसे टाइम पर लाने ले जाने की जिम्मेदारी तेरी है। मैं क्यों लेके जाऊँ, मैं तो ना लेके जाता। तो जगह परेशानी है। परेशानी के बात है, तेरी साली है, तू छोड़ के आओगा? और वैसे भी कौन सा सारे काम मेरे जुम्मे है? सारे काम रद्द कौन से काम करा है? क्यों मैं काम ही ना करता? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, तू काम ना करता। और नहीं तो बता कौन सा काम करा है तने? अगर तू पिछले महीने का एक भी काम बता देना तो मान जाऊ मैं। महीने भर की बात करे, मैंने कल ही काम करा। कल कौन से पहाड़ खोदते है तने? कल बाल्टी का पानी ना बाहर फेंक क्या मन ने? अब ऐसा काम करना काम है या फैलाना काम है? महीने भर में एक काम करा है वो भी उल्टा, और 4-5 दिन पहले चिलम भरी वो भी उल्टा काम था। बकवास तो कर ना, इन तो पैरों को चला लिया कर, जंग लग जाएगा इनमें, इसे तू ही छोड़ गा। अनिल समझ बात को, एक तू ही तो है जिसे मैं अपने काम बता सकूं। मेरा प्यारा बाबू कैसा? ज्यादा चिलत्तर मत बताओ तुम मुझे। पिताजी देख लो, मैं आरती को लाने ले जाने की कह रहा, उसे भी चिलत्तर बता रहा है। अरे ये क्या है, जे तुझे को काम की कह दे तो तू चिलत्तर बताने लगे है, हैं? जब तुझे एक बार कह दी कि तू छोड़ का होगा तो तू ही छोड़ का होगा, अरे ना तू मुझे जाने फिर। अब मैं भी का मान रखा हूं, जो भी आवे सब मुझे ही काम बता। मैं ले बेटी घी बुरा खा। अरे तुम बिना हाथ धोए खा लेते हो? आरती के लिए ले आई थी मैं, और तू खा लगया। खाओगी या और ढोंगे हम? घी की से जरूरत है हमें? मैंने तो बस हाथ धोने के लिए कहा था। तू पेपर देना आई है ना, बस उस पर ध्यान दे। जल्दी मेरा कमरा खाली कर, मुझे नींद आ रही है। यू कहीं ना जाएगी, यू यहीं रहेगी और यहीं पड़ेगी। या यहीं पड़ेगी तो हम कहाँ पड़ेंगे? तू छत पे जा, वहाँ पढ़। छत पे? वहाँ पूरी रात मच्छर भी पड़ाऊ जा। नू कर तो अपने पिताजी के जा के घेर में सो जा तू। पिताजी से बच के तो मैं यहाँ सोऊ। यहाँ सोए? मेरे दोनों ना सो सकता तू? हैं? काटे लग रहे मेरे। लाट साहब को अलग चुबारा चाहिए सोन को। तो मैं छत पे सोऊ, वहाँ बिछरी है खाट। ब्याह ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ साला हो ना साली हो। ना कोई भी ना हो। अच्छा पढ़ रही है, आज इसका कलेश ही काट दूं।
अन्नी सांप की ढाल जा मेरी छाती पे रेंगती रहे। कुछ ना या डर की दिखे। पर तू यहाँ की कर रहा? और ये उलिया की बना रखा था ना? मैं तो चीख सुन के आया था, ठोकर लग के गिर पड़ा। पर ऐसा क्या चमक गया तुझे? वो कोई कोई था यहाँ पे। बावली तुझे बहम हो गया होगा। बेटे तू इतनी ना पड़क रहे, जब तेरी नींद ही पूरी ना होती तो ऐसे ऐसे सुने दिखेंगे। चल अब सो ही जाइयो। हाँ ले जाओ इसे, बखत तो सो जाया कर बेटे। अरे तू यहाँ चूनमा मुँह दिए पड़ा रहेगा, उठता ना, चल आ जा तू भी। अरे अनिल उठले फिर वह आरती भी छोड़न जानी तने। चल उठ, रात को सोना देते हैं तड़की जल्दी ठाले, हमारी समझ में ना आता है राग। गीता आरती ने दूध दाद पी लिया तो कह दिया नहीं उठ गया, चली जाएगी इसकी गैल। बस माँ जी चप्पल पहन के आ रही है। ए आजा आरती, चल उठ रहे। चलो अनिल। पता ना आजकल के बालक कहाँ जवानी फेंक गया। मैं हटा परेगू, मैं करूँ स्टार्ट इसे। हाँ तू कर ले, आजा। यू बनेगा वह जवान। अरे क्या हो गया इसमें, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब क्या होगा, ऐसे तो मेरा पेपर छूट जाएगा। तू चिंता ना करे, हो जाएगी स्टार्ट। क्यों बन लिया महाराणा प्रताप, होगी स्टार्ट। अरे क्या हो गया इसमें, मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो रही। अरे विनोद देखिए इसमें तेल वेल भी है कि ना। ये भगवान, ये छोरी के तो पर्चू को भी देर हो जाएगी। देखो पिताजी इसने चीनी डाल रखी है टंकी में। तने देखा मैं खमखा की बकवाद कर रहा है। रे तने क्यों घर का नाश कर रखा है, आज यहाँ मोटरसाइकिल खराब कर दी, कमाना धमाना है ना, बस नुकसान पे नुकसान। तेरी देही तोड़ दूंगा मैं, न तो खून मारता तू। मैं क्यों घेरता चिन्नी, सो के तो अब उठा हूं। चचे राम राम भाई। यू के है प्रसाद है यू, मार पिताजी हरिद्वार गए थे। तू ठीक टाइम पाया, चल रहे जतिन की साइकिल पे छोड़ का। साइकिल पे ना जाऊं मैं। और क्या, तनिक सिद्धू के लिए हवाई जहाज मंगवा दूं तेरे लिए मैं। अरे जा चला जा तू, तेरे दिन शुद्ध हो तो। सही टाइम पे आया बेटे, तुझे तो बाद में देखूं मैं। Thank you.
क्यों ठीक चल गई साइकिल? दिक्कत विक्कत तो ना हुई होगी? चाचा जी लो प्रसाद। अरे तने के हुआ नहीं, अरे क्यों मार रहा, अरे बावला हो गया के, अरे छोड़, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ 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 मैंने छोड़ दे, अरे क्या हो गया, अरे पागल हो गया के? तू चुप खड़ी रहे, आज गायब कर दिए साइकिल को, और ना तो मैं तुझे गायब कर दूंगा। पिताजी मुझे तो मैंने कर दिए, और ना तू हरिद्वार का प्रसाद लेके आया था, मैं तुझे वैष्णो देवी का दे दूंगा। स्किल सी पे मर ले जल्दी है, भलाई का तो कोई जमाना नहीं, भलाई करो और पिटो। माँ ला रोटी ला दे। लाई अभी, रुको दीदी मैं दे आती हूँ। तू रहन दे मैं ले जाऊंगी। सारा दिन तो आप काम में लगे रहते हो, कभी तो हाथ बटाने दिया करो। भाभी रोटी लाइए और दूध भी लाइए। गैल दूध भी ला दे सर, और उसमें हल्दी भी घेर दिए, आज तो साइकिल चला के लाया है, पाँव दुख रहे होंगे इसके। ओए तू मेरे तक खामखा बकवास मत कर, करे तेरी मेरी फिर छूट छूटा होती फिरेगी। आई तो मैंने तेरे भले की। ओहो आज तो साली रोटी ला रही है, पेट भर के रोटी खाई जाएंगी। हाँ रोज तो भूखे रहो। ओफो जीजा जी, अब दीदी को कौन समझाए कि खाने के साथ साथ प्यार भी जरूरी है। ओ देखो तो सही, जीजा साली कैसे एक हो गए। हाँ सही है भाभी, कल से खाने की बजाय थाली में प्यार सजा के दे दिए, भर जाएगा इसका पेट। हाँ अब बोलो, अब मेरा धाकड़ देवर मेरे साथ है। अनिल रोटी खा के खेत में चला जा, तेरे पिताजी बुला के गए। मैं खेतों पर चला जाऊंगा, पर मैं ट्वेल्व बन के आ जाऊंगा, वहाँ पिताजी कहेंगे कभी यू कर कभी वो कर। तुम अभी खाना खा रहे हो ना? हाँ। खाना खा के नहाना मत। माँ कौन है यार? मारी चाची है, फूफी है, मम्मी है, दादी है, कौन है तू समझावे मुझे, मिनट मिनट में के रिश्ता है। सही बात कहने के लिए रिश्ता जरूरी होता है। सबका भला कर, हे धरती माता सबका पेट भर। लो पिताजी। ला बेटे। आरती। हाँ तैयार होली बेटे। हाँ जी। तू नाश्ता कर ले। वो मैंने दूध पी लिया है मौसा जी, लेकिन अनिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ओ विनोद की माँ। हाँ कहाँ है वो अनिल? यार टेम हो रहा, अरे आरती को छोड़ने ना जावे तू। गधैया की पूंछ, मैं ना पालता हूँ ऐसे रोज रोज के हिले। पंखे के नीचे मत बैठो, पानी मत पियो, रोटी मत खाओ, रोटी खाली तो नहाओ मत, टटीरी टेट है, अब आओगा मजा। अरे चाचा आ गए तो तुझे सब समझा देंगे वो। यहाँ हम ऐसी जगह बैठे हैं, यहाँ पहुँचना तो चाचा के भी बस की ना है। ए! क्यों रे? अरे तू किसी तक कहका आया के यहाँ बैठा है? अरे उंगवा चोरी परेशान हो रही, पेपर दीवान ना जाना तुझे। वो मिलना रही थी साइकिल, मैं तो साइकिल ढूंढन आया है। यहाँ ढूंढ रहा तू साइकिल? यहाँ तेरे बाप की फैक्ट्री है, और साइकिल तो तू जतिन की भी तो ले सकता। पर चाचा वो साइकिल तो मैंने बेक दी जी, बेक दी बेक दी बेक दी। और शाम तक तो तू चला रहा था,
और सुबह को बेच दी, रहन दे तो इन ड्रामों को। राम राम भाई जगबीर। राम राम भाई। अरे दूधदार दिया या भाई। हाँ भाई। अरे ओ जगबीरे, अरे सुनिए भाई एक मिनट, अरे रुक रुक। हाँ भाई जगबीर है, आजा आजा आजा। इस पे जाऊंगा मैं? मैं ना जाऊं इस पे, या तो बहुत कैडी चलेगी। कैडी चले? अरे कुछ कैडी ना चलती, अरे यू ना छोड़ का दूध। चाचा साइकिल की तो कोई बात ना, डिब्बे रख के आने घर तक। डिब्बे? अरे डिब्बे की चिंता क्यों कर रहा तू, डिब्बे यू जतिन छोड़ा होगा। चल भाई जतिन ले डिब्बे, ले जगबीर के घर छोड़ का दे भाई, दे इसे। शाबाश शाबाश, यू भी ले ले। घरू छोड़ के आइए, ले भाई तू साइकिल ले। अरे देखा क्या अब देर होने लग रही। बेटा बहुत देर होली, इसका पेपर छूट जाएगा और पूरा साल खराब हो जाएगा इसका। डॉक्टर बनने का भी सपना इसका अधूरा रह जाएगा बेटे। तो इसे डॉक्टर भी हम ही बनवाओगे के? बेटा बनाना बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में, पर हमारी वजह से किसी का काम बन जा या तो सौभाग्य की बात है। अरे काड़ू देख ये साइकिल के दाबम दाब भग रही। अरे भाई साइकिल पर चिलम धरी, बाप के तो एनर्जी तो आनी है आनी। अरे काड़ू एनर्जी तो मुझे भी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मुझे भी दिला दे यार। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लो जी चाय पी लो। अभी क्या पेपर और रह रहे हैं आरती के? अभी तो रह रहे, शुक्रवार तक निपटेंगे। आरती के बगैर तो घर खाने को दौड़ रहा। मैं भी तो यही सोच रही, जब आरती चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। रे काड़ू इतना पसीना कैसे आ रहा, गर्मी अचानक बढ़ गई के? अरे बंटी अचानक ना बढ़ी, चिलम में तो भव के निकल रहे भव के। सही कह रहा तू, तभी तो मैंने भी एकदम भवका सा लगा। करूं ठंडा? अनिल तुम घर चलो। रुका तो ऐसे है जैसा धारा सिंह की छठी औलाद हो। जाइए रे। साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ऐसे लड़ते हैं क्या? और लड़ने में भी पसीने सुखा के लड़ता? वो बात नहीं है। वो बात नहीं है तो और हाथ धो के लड़ता? नहीं 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 नहीं, क्या मैं दुतुल करके लड़ता हूँ? पागल चोट लग जाती तो? चोट लग जाती तो चोट लग जान दे। तू यहाँ सूदने में ना है, हरिपुर में, अनिल के हरिपुर में। यहाँ चोट पे ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ इज्जत पे ध्यान दिया जावे। और अब तुम मेरी गैल है, तुम्हारी इज्जत है, और कोई हमारी इज्जत पे हाथ उछाड़ेगा तो मैं उसे ऐसे ही मारूंगा। ले लाओ। और आरती को दे दिए, खा लेगी वो। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते, बड़ी देर कर दी आने में, फिर कहीं छोड़ के चला गया होगा इसे। ओए तेरी ये रोज रोज की ड्रामेबाजी मेरे बस की ना सुनने की, कल से तू लेके जाओगा इसे। जीजा जी ये तो टाइम पे आ गया था पर।
पर के हाय बेटा तेरे चोट वोट तो ना लगी, तू लड़ाई झगड़े ना करे करे। अरे रोटी तो खा ले, अरे ना खाता तो दूध ही पीता जा। हाँ भाई, फजलू तो पैसे ले आया तू कल। यार फजलू, सतपाल ना तो किसी को भेजे ना पैसे लेने को, चल तू ही दिया। भैया मैं आपके पैसे देने आ रहा, भैया मार क्यों रहे हो, मैं आपके पैसे देने आ रहा, मार क्यों रहे हो, सुनो तो सही। भाई साहब, भैया इसमें 100 रुपये फालतू है भैया। दूं? खुदा कसम सब आपके ही है पैसे, ले जाओ। यार हद कर दी, इतना भी सब्र ना रहा। अरे क्या हो गया, कैसे गुस्से से मैं बैठा? अरे मेरी तो समझ में ना आ रहा क्या करें यार। क्यों, अब की आफत आ गई भाई? चारों माई तो आफत ही आफत आ रही है, घर में घुसने ते भी डर लगे। अब तो घर में घुसने से डर लगे? हाँ? अभी तेरे घर में कौन से भूत आ गए? अरे भूतों को तो मैं भुगत लूंगा, पर उस कानून मंत्री को कौन भुगते? ऐसे के कह रहे हैं वो? अरे कहने को कौन सी कसर छोड़ रखी है? खाना ऐसे ना खाते हैं, पानी ऐसे ना पीते हैं, पंखे के नीचे ना बैठते हैं, कभी कदार तो मैं नहाऊं उसमें भी ऐसे ना नहाते हैं, ऐसी तैसी मार रखी है। यार वो तुझे सुधारना चाहती है। मतलब मैं बिगड़ा हुआ हूँ? मेरा मतलब है वो तुझे काम करना सिखा रही है। अच्छा, मुझे काम करना ना आता है? वो तुझे रहन सहन सिखा रही है। अच्छा, मुझे रहन सहन भी ना आता है, मैं इतना बड़ा वैसे ही हो गया? मारूंगा मुंह पे मुहाड़ा बना दूंगा, चुप रह ले। ओहो, आफत आ गई बैठी है। मो भाभी, कहाँ गए सब? वो मौसी जी और दीदी तो पड़ोस में गए हैं, कुछ गीतों वीतों का प्रोग्राम है, और मौसा जी और जीजा जी खेतों पे गए हैं, और बोल के गए थे कि जब तुम आ जाओ तो तुम्हें भी भेज दें। किताबें ऐसे नहीं फेंकते, ये बहुत काम की चीज होती हैं। और हो सके तो कुछ कर लो, कुछ बन लो, ये शरारतें तुम्हारे काम नहीं आएंगी। कुछ क्यों करूं मैं, क्यों बनूं, मैं तो ना करता। जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ूं मैं, मुझे जाने सारा काम क्यों नाम के पीछे पड़ूं मैं। मिला है आदम जीवन, कुछ नाम कमा के दिखा।
और ना मैं नाम करूँगा। अरे मैं तो हूँ मन मौजी, बस मौजी ही मौज करूँगा। पगला है तू, ना समझ है तू, शानी है तू, घनी बने है क्यों। आँख खोल के बुद्धि दे, जरा पर्दा तो हटा। क्यों करूँगा मैं ऐसा, मन इतना तू बता। मैं करता हूँ, अरे माँ तो खुश है मेरी, थोड़ा बापू से डरता हूँ। ये अकल है तेरी, इतनी मोटी क्यों, मुँह जोरी क्यों, अरे कर है तू कुछ कमीर करके दिखा, घनी बातें ना बना। कुछ कमीर करके दिखा, घनी बातें ना बना। मिला है आदम जीवन, कुछ नाम कमा के दिखा। मिला है आदम जीवन, कुछ नाम कमा के दिखा। कुछ क्यों करूं मैं, कुछ क्यों बनूं मैं, कुछ क्यों करूं, कुछ क्यों बनूं। मुझे जाने सारा काम, क्यों नाम के पीछे पड़ूं मैं। मुझे जाने सारा काम, क्यों नाम के पीछे पड़ूं मैं। मिला है आदम जीवन, कुछ नाम कमा के दिखा। अनिल चल उठ रहे, ए खड़ा हो। देखिए आरती कब की तैयार खड़ी, जा छोड़ के आए से। छोड़ के पद्धी पे आऊं, मोटरसाइकिल खराब है, जतिन ने भी साइकिल बेच दी अपनी, और दूधिया भी नाट गया साइकिल देने थे। जब अपनी साइकिल झोड़ में काट कर लानी पड़ेगी तो कौन देगा तुझे साइकिल अपनी। ओए तू ज्यादा कहानी मत बनाए करे, अब की बता अब कैसे होगी। देख रहे, देख वो खड़ी साइकिल, बिल्कुल ठीक करवा दी मैंने वो। या खटारा, इसे चलाऊंगा मैं, या ना चले मेरे पे, या ना चले मेरे पे। तेरे बाप ने 18 साल चलाइया, दहेज में मिली थी मजा यू, घनी 3-5 ना करा, अब जा छोड़ का इसे। पता ना कद मेरा पीछा छोड़ेगा। अरे ऐदी उठ ले तू, खाट ना छोड़े, गुड़ 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 गुड़। तड़की चाय ना पानी चलता कर दे, इनकी सबकी रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं ही मिलूं। अनिल तुमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मेरे बारे में बताने की क्या जरूरत है, मैं तो जैसा हूँ सब जाने। अच्छा चलो ये बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। यार आज तो बेइज्जती खराब हो जाएगी, या 12वीं में, मैं आज लो 11वीं तक आगे नहीं बढ़ सका। तुमने बताया नहीं तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अरे वो गेट के सामी सबसे लास्ट वाली। मैं वाली नहीं, किस क्लास में पढ़ते हो ये पूछ रही हूँ। हाँ मैं भी कौन सा फारसी बोल रहा हूँ, मैं भी तो न्यू बता रहा हूँ, गेट के सामी जो सबसे लास्ट वाली है उसमें पढ़ूं। पागल, जब कोई क्लास के बारे में पूछता है ना तो ऐसे बताते हैं जैसे 10वीं 11वीं 12वीं। अच्छा अच्छा ऐसे आ रही है। 8 कमरे तो इन हो गए शुद्ध, और 6 हुए, और 3 हुए। ऐसे तो मैं 18वीं में पढूं। 18वीं क्लास, ये कौन सी क्लास होती है। तू तो बड़ी बावली है, तेरे तो लिख के गले में तख्ती टांगनी पड़ेगी। सोबेर समझा ली, गेट के सामने सबसे लास्ट में वाई है। लगता है इसे कुछ पता ही नहीं, चलो कोई दूसरी बात पूछती हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने कौन सी साइड ले रखी है। भाई इसने चाट्या मैं, पता ना सवाल भी कहाँ तक ढूंढ के ला गए। तुमने बताया नहीं कि साइड कौन सी ले रखी है। साइड, अच्छा अच्छा साइड, साइड तो घर में बस पिताजी और भाई ना मिलने चाहिए, वह साइड ले रखी है। गांव में साइड की कोई दिक्कत ही ना है, और स्कूल में, स्कूल में तो भाई गेट पे प्रिंसिपल ना हो
तो मेन गेट वाली साइड ले रखी है ना, तो पिछले वाली साइड है ही पक्की अपनी। क्लास में तो सबसे पिछले वाली सीट है, वह साइड पक्की है, वहां तो हिम्मत ही नहीं कोई बैठ जा। और कापी वापी जच रही हो तो स्कूल के बराबर वाली साइड दगड़े वाली जो है वाले रखी है, वह पक्की है एकदम। पागल, मैं उस साइड की बात नहीं कर रही, जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड। अच्छा अच्छा, ऐसे बात है, तो मैंने दोनों साइड ले रखी है। दोनों साइड और के मारे दो का आंकड़ा बड़ा शुभ है। देख, हम भाई दो, मेरे आंख दो, कान दो, टांग दो, और साइकिल में पैडल दो, पहिए दो, हैं, और मारे भैंस भी दो, और भैंस के आंख भी दो, सींग भी दो, मारे गांव के रास्ते दो, और हमने ज्यादातर क्लास दोबर में पास करी है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, समझ गई मैं, अब तो सेंटर भी आ गया। बड़ी जल्दी आया। वाकई आज तो तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बात ही ऐसी करूं, अक सामने वाला सुध बुध खोकर सुनता है जा, सुनता है जा। मैं इंजेली टेंट इतना इंजेली टेंट नहीं, इंटेलिजेंट। हाँ हाँ वही। खैर, हम बात ही ऐसी करें, अगर गलत भी बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ ही जा। अरे बोले, तैयार ना हो या तो जल्दी जा, इतने तू पहुंचा गया, तेरे तो आरती पेपर दे के भी आ लेगी। अगर थोड़ा जल्दी चला जाएगा तो तेरा चाय नाश्ता भी हो जाएगा वहाँ, और आते ही आरती को ले आइयो, घर खाली खाली सा लग रहा। जा रहा हूँ अभी, पिछले 5 मिनट में 20 बार कह ली हूँ बात। भगवान, 1 महीना की ढाल गुजरा। अरे जब थारा ये हाल हो रहा है तो मेरा सोचो क्या हाल होगा। की बात है, बड़ी खुश हो रही है। अरे खुशी की तो बात है। अरे हमें भी बता दे इतनी खुशी की के बात है। अनिल देखो कितनी प्यारी तितली। मैं ना देखता तितली वितली, मतलब तितली देखना भी कोई खुशी की बात है। देखो ना खेत कैसे लहरा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उल्टी सुद्धी तो समझाओ मत ना, बताती हो तो बता दे क्यों इतनी खुश खुशी हो रही है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरे पेपर खत्म हो गए हैं। इसका मतलब तुझे लाने जाने का किस्सा खत्म। Yeah.
यू बात ना है भाई आशु, आरती के पेपर खत्म होने की खुशी आरती से ज्यादा अनिल को है। देखिए जब से पेपर दिलवाने जान लगा है ना, सारे गांव की साइकिल पेपर दिलवाने में तो। और तो और भैया तू घर का सारा दहेज भी ना उसे लाने ले जाने में खर्च होगा। भैया दे आई तू पेपर? हाँ भैया। चल फिर जल्दी से सामान बांध ले। ठीक है भैया। पर भैया आशु अब तो इसके पेपर तो निबट लिए, अब तो छुट्टी छुट्टी होंगी मेरी राय में, दो चार दिन और रुक जाती। मुझसे घर पे काम बहुत पड़े, बाद में घुमा के ले जाऊंगा। अच्छा दीदी हम तो कह रहे थे बेटी एक आध दिन और रुक जाती। चल कोई बात ना, आती जाती नहीं। जी मौसी जी कभी वहाँ जाके सब कुछ भूल भाल जावे। कैसी बात कर रहे हो जीजा जी, इसमें भूलने की क्या बात है, मैं आप लोगों को भूल सकती हूँ। आरती चले अब। अच्छा मौसा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटे। अच्छा जीजा जी नमस्ते। अनिल अच्छा अनिल मैं चलती हूँ। पास हो जाइए। क्यों? और फिर पेपर दुआने पड़ेंगे ना तो? बेफिक्र हो अनिल, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। मेरी वजह से जो तुमने भागदौड़ की, दिक्कतें झेली, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते, नमस्ते बेटे। पापा आई तू, कैसी है तू? पेपर वेपर कैसे गए तेरे, नकल चल गई साई? आंसू तो कह रहा था कि जीजा जी ने जुगाड़ करवा दिया है नकल का। नकल वकल नहीं की मैंने, लेकिन हाँ पेपर बहुत अच्छे गए। अच्छा तू भी क्यों उल्टी सुल्टी बात लेके बैठ गई? बेटी एक बात बता, गीता के यहाँ तो सब राजी खुशी हैं, तुझे तो कोई दिक्कत ना आई? हाँ पापा जी सब ठीक है, और उन्होंने मेरी भी बहुत देखरेख की है। वो तो मैं पहले कह रहा लक्ष्मी से, अब हमारी आरती को सर आंखों पे रखेंगे। मारी समझ में यूँ ना आवे कि कोई अच्छा काम हो जाता तुम कदम में मुझसे कह दियो। जूते और जुराबों को ऐसे फेंका जाता है क्या? भाभी रोटी ले आ। अभी इन्हीं हाथों से जूते उठाए हैं, तुम फिर बगैर हाथ धोए खाना खा लोगे? माँ ला रोटी घाल दे मेरी। और वो आरती आ गई पेपर दे के? ओहो वो तो चली भी गई। हाथ धोए तन्ने? कोई बात नहीं मम्मी, कभी कभी बगैर हाथ धोए भी खा पी लेना चाहिए। अब तू कैसे बदल सी गई बेटी, पहले तो तू बिना दांतून करे खावे ना थी, अब तो खावे खा के नहा भी ले है। और हाँ वो प्रियंका आई थी। अच्छा क्या कह रही थी? कुछ ना पूछ रही थी, मैंने कह दिया वो नहा रही है, वो चली गई। अरे क्या बात है रामू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, कहाँ रह रहा था तू? अरे यार मैं अपने जिज्जा के धोरे रह गया, पेपर दे रहा था। जिज्जा के यहाँ रहने से बड़ा निखार आ गया तुझमें। अरे आता कैसे ना,
जिजो ना बड़ी देख रेख करी। तुझ पे एक रैपट तो मारा ना गया उनमें, उल्टा मुस्कुरा के आगे को चल दी। अरे प्रियंका, मैं तो तेरे ही घर जा रही थी। मैं भी तेरे ही घर जा रही थी। मैंने तो सोचा तू अब तक नहा ली होगी, पर यो मेरी बात का जवाब नहीं है। पागल, मैं इन्हें देख के नहीं मुस्कुराई, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी अगर वो होता तो अभी लगाता दोनों को उल्टे हाथ से दो दो। अबे कौन होता कौन लगाता, किसकी बात कर रही है तू? खैर तू छोड़ इन सब बातों को, ये बता तेरे पेपर कैसे हुए? मेरे पेपर तो सही हुए, पर मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत तो ठीक है, अब यहीं खड़ा रखेगी घर भी लेके चलेगी। तुम अभी खाना खा रहे हो ना? हाँ। खाना खा के नहाना मत। अबे यार तेरी खोपड़ी है के जंतर मंतर है, हैं? जब आरती घर पर थी तब तू परेशान था, अब आरती घर पर नहीं है तो तू क्यों परेशान है? यार तू समझ नहीं रहा, मैं वाकई परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये तो मैं नहीं जानती, बस हर वक्त मुझे उसकी याद सताती रहती है। जहाँ भी देखती हूँ बस वही वो नजर आता है। और काम में तो जी लग रहा होगा? यार काम की के मेरा तो खाने पीने में भी जी नहीं लगता। यार मैं दावे से कह रहा हूँ तेरे को कुछ हो गया है। मुझे क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। हाँ इतना पता है कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ बस उसी की बातें मेरे दिमाग में आती हैं। हर तरफ बस वो ही दिखाई दे रहा। वो अलहड़ था लेकिन उसकी बातें बताती थी कि वो दिल का कितना साफ है। वो अपने मासूम चेहरे में मेरी बड़ी से बड़ी बात को मुस्कान में छिपा लेती थी। और वो बार बार गलती करता था। वो बार बार मुझे समझावती। गलतियाँ उसकी सादगी थी लेकिन वो गलत नहीं है। उसने मेरी गलतियों को सुधारा, वो बहुत अच्छी लड़की है। प्रियंका वो गलत नहीं है। जतिन वो बहुत अच्छी लड़की है। तू सही कह रही है प्रियंका, मुझे कुछ हो गया है। हाँ जतिन, ना चाहते हुए भी कुछ तो हुआ है। पर नहीं करता मैं नहीं करता, नहीं करता मैं, नहीं करता मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता, पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता। शाम आंखों में मेरी सूरत उसकी घूमे है, खाली लागे गांव भले आवाजें उसकी गूंजे है। सुबह शाम आंखों में मेरी सूरत उसकी घूमे है, खाली लागे गांव भले आवाजें उसकी गूंजे है। दिल तो के अब जान भी उसकी हो।
नहीं करता मैं नहीं करता, नहीं करता मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता, पर ले गई वो दिल यार बता मैं के करता, के करता। पिताजी तो यूरा तुम तो कहते घर में ना है। अरे यू कौन सा किसी छलावे तक कम थोड़ी है, अभी जब मैं आया था जब तो था ना, अब आया हूँ तो खड़िया मिला। रे तो यही मर रहा, खेतों की तरफ ना आ सकता, वहाँ गेहूं लिकट रहे थे। माँ यार ती किताब रहेगी इसे दे आऊं? पिताजी भी नहीं कहते रहे काम ना करता काम ना करता। रहने दे भाई, इब क्या फायदा, इब तो उसके पर्चे भी हो लिए। अरे तू ना जानती हो कितनी पढ़े, हुआ तो इसके बिना हो रही होगी परेशान। तो एक काम कर, अपने पिताजी तो पूछ ले। के पूछवा वे? यूनु कह रहा आरती की किताब रहेगी, मैं उसे दिया था। किताब दिया था? रहन दे, तेरे बस की काम करना धरा है। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, काम तो काम है, सब मिलके करना चाहिए। अरे तू सच्ची सच्ची बता कहाँ जाना तुझे? जाना कहाँ पिताजी, किताब दे के आनी है। देख किताब की बात तो है नहीं, तुझे मैं खूब जानू,
तू ये बता कि बहाना मार के जा कहाँ है? काम न करता हूँ तो न्यू कहो काम न करता, अब काम कर रहा हूँ तो सब बहाने बता रहे हो। वहाँ किताब के चक्कर में आरती को परेशानी हो रही होगी। रतुजा किसी की परेशानी कैसे समझ आने लगी? जान दो भी ध्यान दो। हाँ हाँ सही बात है, दियाऊंगा मैं। जा तो तू फिर, लेकिन बखत चरा लिए। हाँ जावेगा कैसे, मोटरसाइकिल तो खराब पड़ी है वहाँ। ऐसे टाइम पे मोटरसाइकिल देखी जावे, मैं बसते ही चला जाऊंगा। उंगे किताब के चक्कर में आरती को दिक्कत हो रही होगी। मिल गई। अरे भगवान के पारस में नहीं मिलगी जो सारा घर अदर उठा रखा है। मेरी सोने की अंगूठी मिलगी? मैं तो पहले ही कह रहा, और घर में इंगोंगा हो रही होगी। हाँ तुम तो सारी भविष्यवाणी पहले ही करे रखो। नमस्ते मोसर। नमस्ते बेटा, पहचाना ना मैंने? जी मैं हरिपुर से आया हूँ। अच्छा हाँ हाँ अनिल। हाँ मौसी, पर तुम्हें पता कैसे चला मैं ही अनिल हूँ? जब से आरती आई है बस तेरे बारे में ही बात करती रह वह है। के कह वह मौसी? कह वह के है, ले बैठ। न्यू कह वह है कि एक छोरा है वहां बड़ा शरारती सा, पर दिल का बड़ा साफ है। हाँ तो काम चोर पक्का, पर उसने बड़ी मेहनत करी मेरे पेपर दिलवाने में। पहले मोटरसाइकिल खराब हो गई तो साइकिल मांग के लाया, फिर साइकिल खराब हो गई तो दूसरी साइकिल मांग के लाया। बेटा बड़े एहसान है तेरे मारे ऊपर, तू ना होता तो आरती कैसे पर्चा दे पाती, और हो सके ना भी दे पाती। कैसी बात कर रहे हो मौसा जी, आरती का ख्याल मैं ही तो रखता। की कह रहा? मेरा मतलब है आरती का ख्याल हम ना रखते तो कौन रखता? मैं या किताब लाया हूँ। तू बैठ बैठे, मैं तेरे लिए दूध लाऊं। वो आरती ना दिखाई दे रही? वो मम्मा लेगा उसे अपनी गैल, छोरा देखने गए, और जो आरती को पसंद आगा ना तो वही की वही बात भी पक्की करी आऊंगे। अच्छा मौसा जी मैं चलूं। बैठ बेटा, कैसे चल दिया, कुछ खा पी के जिए? अब के करूँगा मैं खा के? के बेटा वो मौसा जी एक काम याद आ गया, वो निपटाना जरूरी है नहीं तो गड़बड़ हो जाओगी। अरे ले दूध तो पीता जा बेटे। बस मौसी फिर पीऊंगा, अब तो जहर ही पीना पड़ेगा। अच्छा सुन तो सही, वो मिलाई तो दे देते। ये तो मौसा जी ज्यादा हैं। कहाँ ज्यादा हैं, आज के महंगे जमाने में आवे के है। चलो इतना तो पता है जहर भी महंगा हो रहा। आरती, आरती सुन। अनिल तुम कैसी है आरती? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो तुम्हारी किताब रह गई थी ना, मैं तो वो देने आया था। तुम जिस काम से गई थी हो गया वो काम? कौन से वाला? वो लड़के वाला। वाह अनिल क्या लड़का था, मैंने तो देखते ही हाँ कर दी। पढ़ा लिखा सभ्य एकदम हीरो था, हीरो। तो मेरी गाड़ी क्यों निकटवाई? पढ़ाई लिखाई सभ्यपने की बात कर रही है, लड़की जाए कराए कोई लड़का देखने? कौन सा लड़का और कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? तेरी और उस लड़के की जिससे तू रिश्ता करके आई है। पागल, मैं मामा की लड़की के ले गई थी और मामा पिछले स्टॉप पर उतर गए। मामा की लड़की कितनी है? हाँ शाबाश बल्ले बल्ले शाबाश। पागल तू
के कर रही है ऐसे बड़ा चुन्नी मुंह में दी जा। क्या करूं, शायद मुझे तुम्हारी आदत सी पड़ गई है। वो तुम किताब के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ किताब तो मैं घर दिया आया। किताब बड़े काम की चीज होती है, वो ऐसे थोड़ी फेंक जा किताबों को। और मास्टर जी, और अब मैं रोज दांतन करता हूँ, देख मेरे दांत चमक रहे ना। और अब मैं खाना भी हाथ धो के खाऊं। और तो जी सा ना लगता है। क्यों? यू तो पता ना, पर हर टाइम जी उखड़ा उखड़ा सा रहवे। तेरा जी लग रहा है? अरे अनिल तू यहाँ बीच में कैसे खड़ा? चला घर चल रहे हैं। आरती तू भी यहाँ बीच में लिए खड़ी है, घर ना लेके जा सके थी। घर तो मैं हो आया, मैं चलूं? अरे दो बात हमसे भी करता जियो, बेफिक्र है पानी ना डालने का हूं। अब तो मैं चलूं। सुबह चला जियो। मैं तो अब चलूं। चल भैया जैसी तेरी मर्जी। आरती आ चल। मान लो पिताजी वो कहीं मेला वेला घूमन गया है, वो ना दे करने का किताब विताब। ठीक कह रहा भाई तू, या फिर ऐसा होगा कि किताब की तू बेच के कुछ खाई आओगा। मेरे बाहर भीतर के भी कहीं चक्कर लग लिए, और वो जितनी भी कहीं दिखाई ना दे रहा है, वो दोनों ही गए हैं जहाँ भी गए हैं। हाँ बेचा भाई। के बेचिया? किताब। और के किताब ना वे जेवर ते बेचिया। और तो सब ठीक है वहाँ? हाँ हाँ आरती ठीक है। आरती ठीक है रे, और कोई भी तो होगा वहाँ। कह तो रहे हूँ सब ठीक है वहाँ। सुखबीर तो ना कह रहा था कुछ? कौन सुखबीर? देख लो पिताजी यू ना गया वहाँ, ये तो कुछ चोरी कर्म करके आ रहा है। मैं तो किताब आरती हर के घर दे के आ गया, मैं ना गया और कहीं। उंगे बुआ के यहाँ से अचार आया धरोगा, वो ही ले आते जब गए थे तो। अचार? अचार की कोई बात ना, मैं अब अचार ले आऊंगा, अभी जाऊँ। बाहर जाने के नाम का तो तैयार खड़ा रहे, अभी तो आया तू एक मिनट भी ना हुई। अरे वे भैंस खड़ी धूप में, उन्हें जाके छाए में बांध दे। भाई ये भैंस ऐसी जन्म कुंडली में लिख रही है, सहयोग में पटवाई जाती। अरे कहाँ चल दिया तड़की तड़क तैयार होके? वो कल देर होगी थी ना, अचार अचार ले आऊंगा मैं। तू रहने दे अचार को, हम तो मिर्च मिर्चों से ही काम चला लेंगे। वहाँ धरा आना, मैं ले आऊंगा। अरे धरा तो जाना केक के है वहाँ, तू टाल कर वहाँ जाने की, चक्की पे चला जा, आटा ठाला पिस गया होगा। तू दूर रह, इसमें हाथ ना दिए। अभी तो मैंने कुल्ला भी ना कराया है। माँ मैं अचार ले आऊं मूसा के हत्ते जाके। ना बेटा, रोज रोज ससुराल जाना ठीक ना हो। अभी कहाँ होगी वो ससुराल? के कह रहा? अरे मैं ले आऊंगा, कदी वे बुरा उरा मान जा। बुरा क्यों मानते, ये भी कोई बुरा मानने की बात है। तू एक काम कर, घर में जा, तड़के के बर्तन पड़े वहां बैठा के लिया। भाभी कुछ कहना है अपने घर, मैं अचार लेने जा रहा हूँ। अब खाली अचार के लिए मत जाओ, वो तो तुम जब गए थे तो ठा लाते। मैं तो अब भी ले आऊंगा, आपके देर होगी। रहन दो, बार बार जाना ठीक नहीं होता। तुम दर्जी से मेरी साड़ी उठा लो, पीको कर दी होगी। 24 में से 25 घंटे कहते रहे काम ना करता काम ना करता, अब मैं काम करने को तैयार हूँ तो कोई करवा ना रहा। पर काम तो मैंने भी बताया था। अरे कैसे मुंह लटक रहा है, कल के रहा ससुराल में? समझ में ना आ रही यार आरती, धोरक कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? अरे कल तो गया ही था तू। कल यार बात अधम में रहेगी, वो आंसू आ गया बीच में। चल कुछ आइडिया सोचते हैं। एक काम कर सके,
अरे सो करूँगा, तू बता तो सही। मारी सुन, आज रात को उसके घर चला जा और जाके उसकी एक किताब चुरा लिए, फिर सुबह को उसी के बहाने मिलने चला जाइए। हो गया काम। कोई अच्छी तरकीब बताए कर, अपनी सिकल जैसे आइडिया बता लगे। एक तरकीब और आ रही मेरे समझ में। कोई ढंग की हो तो बोल। तू अपनी एक किताब और ले जा और नू कह दिए कि आरती की एक किताब और रह गई। अरे हमारे पे किताब बची कहाँ है, सबकी तो हम शकरगंद दिखा गए। आइडिया, अब की तू बता के ही मत जइयो, चुप्पी चला जा और वहां जाके बताइयो कि मैं इधर से जा रहा था, सोचा नमस्ते ही करता चलूं। अरे वाह, मैं तो यार तुझे बेवकूफी मान रहा था, तेरे में तो अकल है। अरे 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 अरे। मेरे तो बुझेंगे तो मैं तो कह दूंगा मैं अचार देखन, अरे नहीं मैं भैंस लेन आया था। अरे मैं कह दूंगा मैं यहाँ कहीं आया था, वैसे ही आ गया। तुम आज फिर क्यों, तुझे अच्छा ना लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर क्या आरती? पर मुझे जब ज्यादा खुशी होती जब तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आता। घर के बड़े से मतलब? मतलब ये, जब ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आकर तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करता। सच आरती? मौसी नमस्ते, मैं वो अचार देखकर भैंस अचार अच्छा में चलता हूँ। ये क्यों आया था यहाँ, क्या हो रहा था यहाँ पे? अरे मैं तेरे से पूछ रही हूँ, तेरे से क्या हो रहा था यहाँ? मम्मी, मैंने आज तक आपकी कभी कोई बात टाली है? या आपसे कभी कुछ मांगो हो तो बताओ। मम्मी, अगर आपको मुझ पे विश्वास हो तो सब कुछ ठीक है। अनिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप चाहें तो हम दोनों की शादी हो सकती है। मम्मी तू अंदर जा। आ गए जी आप। आंसू ले आया सामान। वो जी, मैं यूं सोच रही थी कि आरती का ब्याह अनिल से क्यों ना कर दे। तू कैसी बात कर रही है, अनिल आरती का ब्याह कैसे हो सके? क्यों ना हो सकता, उसमें क्या खराबी है? अरे भगवान, अनिल पढ़ा लिखा कम है, इतनी जमीन जायदाद है उनके पास, गांव में पुख्ता काम है उनका, और इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या देखना, लड़का अच्छा है। देख ले, मैं तो इसमें रह कह रहा, कभी फिर तू बाद में यूं कहवे हमारी आरती ज्यादा पढ़ी लिखी है अनिल कम। ना ऐसी कोई बात ना है, तुम करो रिश्ता। ठीक है, तो मैं सुखबीर को लेकर हो जाऊंगा। हाँ, मैं तेरी बातों से राजी हूँ, पर जो बात असंभव है वो संभव कैसे हो सके? इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है? दिक्कत ही दिक्कत है, गीता का रिश्ता भी पता नहीं जैसे तैसे करके ले लिया था, उनकी पैठ हमारे से बहुत ऊंची है, वो ना लेना का हमारा रिश्ता। परताऊ जी, एक बार बात करने में क्या अर्ज है?
तू समझ नहीं रहा, गीता का रिश्ता भी यूं ले लिया उन्होंने, अकेली लड़की है, ना माँ है ना भाई है, बाप की आंख मिस जाएगी सब उन्हीं का। फिर भी ताऊ जी तुम एक बार चलो। बेटा मेरे चलने से कुछ नहीं होने का, मैं जानू उन्हें बहुत पहले से। कुछ होवे ना होवे मारे मन की रह जाएगी, तुम चलो एक बेर। चलो जब तुम कह रहे तो चलो भाई। देखो चोई साहब, आप आरती जैसी लड़की का रिश्ता हमारे घर में लेकर आए, हमारे बड़े भाग। वो जब लो इस घर में रही, पूरे परिवार में खुशी छाई रही, और इस बात में भी दो राय नहीं है कि आरती जैसी सुंदर पढ़ी लिखी और होनहार लड़की जिस घर में बहू बनकर जागी वो बड़े भाग वाला होगा। पर चोई साहब, रिश्ते जोड़ी देख के ही तो मिलाए जावे, जहां का मोती होगा वहीं तो पिरोया जाएगा। अब आरती जितनी सुपात्र है अनिल उतना है नालायक, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, यू रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो बुजुर्गों का कहना है कि घर हीणा बेशक हो वर हीणा नहीं होना चाहिए। आज तो भगवान की दी हुई मौज है, दोनों भाई साझे हैं और हम भी बैठे हैं, पर कल को जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो अनिल की गृहस्थी को कौन संभालेगा? आज हमारे जैसा खुश नसीब भी कोई नहीं कि ऐसा रिश्ता हमारे घर में आया, और हमारे जैसा बदनसीब भी कोई नहीं कि हम इस रिश्ते ने मंजूर नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात ना है पिताजी, अनिल अभी बालक बुद्धि है, ऐसी जिम्मेदारी कंधे पे आवेगी तो काम भी करने लगेगा। आज तो तू बड़ा भाई मान के इस बात को कह रहा, पर कल को तू जब अलग हो जाएगा तब की सोच। चौधरी साहब, अनिल तुम्हारा बेटा है, मारे से ज्यादा अनिल के बारे में तुम ही जानते हो, और जिस तरह से आरती को तुम अपनी बेटी मान रहे और हमें उससे ऐसा लग रहा है कि तुम सारी बात हमारे भले की कह रहे हो, फिर भी तुमने अपने बेटे की कमी हमारे सामने रखे हमारे सारे रास्ते बंद कर दी, और नहीं तुम चाहते तो यूं ब्याह हो जाता। अच्छा चौधरी साहब, जैसी थारी मर्जी, तो चलते हैं। राम राम जी। चौधरी साहब देखे मुझे गलत मत समझियो, यू फैसला मैंने आरती का बाप बनकर करा है, अनिल का नहीं। अच्छा जी राम राम। अच्छा जी राम राम। जब वे रिश्ता लेके खुद आए थे तो ब्याह करने में हर्ज के था? हर्ज ही हर्ज था, पहले कुछ कमा के तो दिखा। अगर मैं सारी उम्र ना कमाऊं तो तब मेरा ब्याह ही ना करो। कतई नहीं करूं, ढेला कमाता नहीं, कोई हिल्ला नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, खुंटे की गैल बांध के उस छोरी की जिंदगी तबाह कर दूं मैं। तबाह? तबाह को के कमी है मारे, के नाम आ रहा है, और मेरी गैल ब्याह ना करके ऐसी कौन सी गारंटी है कि उसकी जिंदगी बच जाएगी? अच्छा, तेरी गैल शादी ना करके भी उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी? और के, जब तुम हमारा ब्याह ही ना करोगे तो वह कहीं और ब्याह करने की ना। तू मजनू है, रांझा है, अरे कौन है तू जो वह ब्याह ना करने की? मैं काहे को होता मजनू रांझा, बस इतना बता रहा हूँ, फिर मैं भी ब्याह ना करने का हूँ। अरे मत करिए तू, डर जा मेरी आंखों के आगे ते, कल का लड़का हमें समझावेगा, और ना कुछ करेगा तो कहीं झाड़ू लगाओगा। देख ले मैंने पहले टाल करी थी, नाट गया ना वो, कर दी ना मारी बेइज्जती। भैया तुम भी कैसी बात कर रहे हो, कौन सी बेइज्जती कर दी उन्होंने मारी? बल्कि उन्होंने तो आरती की तारीफ ही तारीफ करी। देख तू उन लोगों की बात को नहीं समझ रहा, जब रिश्ता ना करना होता वो ऐसी बात बीच में लावे, वरना एक बात बताइए, इतनी जमीन जायदाद होते सोते वे अनिल के काम को ही बीच में क्यों लेकर आए? वहां के मारी लौंडिया भूखी मर जाती, बड़े लौंडे के कौन से पांच हाथ है जो वो कमेरा और अनिल नाकारा। और सुन, मुझे अकेले में ले जाके यूं कह रहा था, कैसे कैसे आदमी को साथ ले आवे तू भी। अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या बात होगी? कुछ बात बात ना हो रही, बात तो खराब हो गई। तू ठीक कह रहा, वाकई मेरी बेइज्जती होगी, अब मुझे बता मैं क्या करूं। इसमें करने की क्या बात है, तू भी रहपट का जवाब रहपट से दे, मारी आरती में गुण ही गुण है, इसे कौन सा रिश्तों की कमी आ रही? भाई रिश्ता उसी गाँव में होगा, मेरे वहां बहुत जानकार है, कहीं ना कहीं बात जरूर बनेगी, बाकी भगवान बड़ा। पिताजी ताऊ जी ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसी करना चाहिए। तो तू देर मत कर,
फौरन कहीं बात चला, मुझे रिश्ते का रैपट उसके गाल पे जल्दी से जल्दी मारना। सुरोक पाऊं
तेरे के होया? वो मैनू कह रही हूं आरती घर आ जावे तो ठीक रहे। देख भगवान, मैं अनिल का बाप हूं, दुश्मन ना हूं। और इतना तो तू भी समझे है कि मारा अनिल आरती के लायक ना है। वो चार दिन यहां इस घर में की रहेगी, अक मुझे तो बिल्कुल बेटी सी लगन लगी। बाद में उसका दुख देखा जाना मेरे बस की बात ना है। ऐसी बात ना है, समझ जाएगा वो, मैं समझा दूंगा। तब मेरे कहने से एक मौका तो देके देखो। भगवान, मौका काम का दिया जा सके है वो एक बार कहवे तो सही, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के भी उसका काम करवा सकूं हूं। पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मौका वो मैं उसे कैसे दे दूं? कल को लौंडी का ब्याह होने के बाद क्या उसे वापस भेजा जाएगा? तब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अनिल को देख के अपनी आंखों से परेशान होते हुए, और उसकी बातों से लग रहा वो उसे चाहे। उसके चाहने तो की हो रहा? पसंद उसे आरती भी करे। हैं? क्या कह रही तू? अजी, ये थारे मारे दिन ना रहे, और माँ बाप गए और बात पक्की करी आए। अब तो छोरा छोरी एक दूसरे को देखे पसंद कर ले, ब्याह हो जा। देखे ये सब शहर में होता होगा, गाँव में ना। हमारे खानदान में आज तक ऐसा होया कभी? और हमें देखे गांव में ही रहना है, गांव में हमारी बहुत इज्जत है। और बालकों ने जवानी के जोश में उल्टा सुधा कदम उठा दिया तो कौन सा यू गांव ना रहने का? अब गंगा का बहाव दूसरा हो गया है, गांव भी शहर भी एक ही है। तो ठीक है, तू कह दे इसे कि जब भी यू अपनी मेहनत से मुझे 100 रुपए भी कमा के देने लगेगा तो मैं इसका ब्याह कर दूंगा। मुझे के जरूरत है काम की? इतनी जमीन जायदाद होते हुए भी मैं काम करूंगा? मैं ना करता काम। बेटे, तू बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। अगर डाला ना जा और निकाले ही निकाले जावे तो बहुत बड़े बड़े भंडार खाली हो जाए। बातों से पेट ना भरता, पेट भरे रोटी से, और रोटी कमानी पड़े कमानी, समझा? मैं काम ना करने की तो न्यू बोल रहा था, इतना सब होते सोते मैं काम करूंगा। पर जब तुम इस बात पे तोल रहे हो तो मैं तुम्हें कल ही कमा के दिखा दूंगा। ले बेटा, दूध पी ले। ले, माँ इसकी के जरूरत है तो मैं वैसे ही कमा लाऊंगा। जो ना कमाए गए सांझ को अपने पिताजी को दे दिए। ले, अनिल उठ गया कि ना? वो तो काम पे भी गया। हैं?
अरे आज दिन हो गया, बीरबल की खिचड़ी होगी, खत्म ही ना होकर देरा साड़ा। सरक जा सरक जा, सांझ लोन भी बैठ रहे तो सांझी बन जाएंगे। अरे तू कैसे आया यहाँ? मैं घर हो गया तो चाची कह रही थी अके काम पे गया है तू। मैं तो तभी समझ गया तू कौन से किले जीतने गया होगा। सारे ठीक चेक करता करता यहाँ आ गया मैं। यार सुबह से शाम हुई ना है, पर ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से बैठा हूँ यहाँ। हाँ तो चल घूम फिर के आवे। अरे घूम के मैं ना, तू आओगा। मैं? हाँ पूरा सुन। अरे तेरी खोपड़ी खराब है, जल्लूस निकलवाएगा मेरा। अरे कुछ ना हो रहा, तेरे ते मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करता जा बस। ठीक है अब तो टाइम ना रिया, तड़के तड़क निपटा दूंगा इस काम को। माँ जी अभी ना आया अनिल, काम करने गया, काम करके ही आवेगा। कमाल है, जा इसे कुएं में डाल दे। अब जब कुएं में ही गिरवाने थे तो मैं कमान क्यों भेजा, मेरी सारी दोपहरी खराब करवा दी। हाँ जब मैं कह रहा हूं डाल दे इसे कुएं में। तेने जो कुछ भी करा ठीक नहीं करा। कल को अगर अनिल का भविष्य खराब होया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। मां मैं जा रहा हूं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान सा राखी। अच्छा माँ जा रहा हूँ मैं। वो सब्जी तो बनी धरी, तू कहते रोटी घाल दू तो जाऊं। ठीक है जा। अनिल गया के? वो गया तो सही, पर आज माजी ने उसे पैसे ना दिए। पैसे ना दिए अब कैसे होगा, उसे तो यो बिना पता पैसा कमाया कैसे जा। कमाने जा रहे हो साहब, और जेब भी खाली है ले। पिताजी को दे दिए ना।
अंका। ना आरती रो मत, रोने से कभी कोई बात सुलझी है? रोने तो क्या करूं मैं? तू भगवान पे भरोसा रख, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। वो हमारी सहायता के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजेगा। हरिओम तत्सत। आप जाइए यहाँ से, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। चनी कोणांस पिंगल बंबुरु कृष्ण रोदास्तत्यम शोरी शनिचरमम। ये बाबा है बड़ा दर्द निवारक, इसकी बूटी बड़ी असरदायक, जल्दी से शरण में आओ बालक। प्रेम प्रसंग छूटा है, प्यार में दिल टूटा है, धाम उसका हरिपुर है, नाम उसका ऐसे शुरू है। अनि 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 शनि 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 अनि 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 आ गया राग समझ में। जतिन जतिन तुम? अनिल ने तुझे धोमी मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया। के बात है बाबा? यूं निकल चला चमत कर 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 हिले चल के मदद कर को अंबाली चल जिग ने मर जन को बल जल के जगल चुचु चुचु दे मदद तेरे को तेरे जल जल के चुचु दे मदद उ झल्ला बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह तू ही अल्लाह 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 आज कुछ काम ही करके देख लूं। भाई साहब रविंदर से मिलना है। काम को ठीक ठाक से कर लो, क्या कर रहे हो तुम हैं? ठीक से कर ले, ठीक से। राम राम साहब जी। राम राम भाई आजा। साहब जी ये लड़का है गांव का, इसे काम की तलाश है। कोई काम वाम करन लगे तो के हिसाब किताब रहेगा? काम भाई यहाँ तो गांठ उठाने का काम है। गांठ उठाने का? एक गांठ का एक रुपया मिलेगा, जितनी गांठ उठाओगे उतने पैसे मिल जाएंगे, बाकी तेरी मेहनत है। अपनी गांठ अपने आप उठाओ, हमारे पे तो हैंगे 100 रुपए। अरे तू भी कैसे वर्कर लायक रहे। अनिल, आरती तू कैसी है? आरती कुछ मत कहो अनिल, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। अनिल अगर मेरी शादी किसी और के साथ हो गई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अनिल आरती तू घबरावे मत, शादी तो तेरी मेरी गैली होगी। और हाँ पिताजी ने मेरे से वादा करा है अगर मैं 100 रुपए कमा कर उन्हें रोज दूंगा तो वो तेरी मेरी शादी करा देंगे। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। वो क्या? मैं 100 रुपए ले जाके दूं और वे कुएं में गिरवा दें? पैसे कुएं में डलवा देते हैं? तुम कहां से कमा के लाते हो? कमाने की मुझे क्या जरूरत है, कल माँ ने दिए थे आज भाई दे गया। पागल उनका मतलब 100 रुपए से नहीं है, उनका मतलब तुम्हारी मेहनत से है। अगर तुम मेहनत से कमा के दोगे तो वो कुएं में नहीं डलवाएंगे। पर बात तो 100 रुपए की तय हुई थी, मैं उन्हें कहीं तक भी ला के दूं, दे तो रहा हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे, उनका 100 रुपए कमाने का मतलब पैसा नहीं, तुम्हारी मेहनत है, मेहनत। और मुझे पूरा भरोसा है तुम जरूर मेहनत करोगे, मेरे प्यार के लिए, हमारे प्यार के लिए। ठीक है आरती, अब मैं पैसे उन्हें अपनी मेहनत से ही कमा के दूंगा।
ना लिया कमा के आगी ना एक दिन में इना नहीं याद। ओ मजनू के भूत, अरे कहां भीतर जा रहा तू? मैं तुझे कह रहा हूं उस दिन तो अधर उठा लिया घर सारा का सारा, राजपूत बन गया। अक मैं यू कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ बस कहना है। के बात है नील, तने तो कतई हद कर दी भाई। खान पीन को और पैसे चाहिए थे तो मेरे तो ले लेता, पर जो पैसे पिताजी को देने थे उनमें से तो खर्च ना करता तू। ले भाई, कल मैं पिताजी को अपनी कमाई से पैसे दूंगा। खाता जा बनी धरी, मैं आके खाऊंगा। अरे दूध तो पीता जा, दूध आके पीऊंगा। अरे सुन तो सही। अरे आके ही सुनूंगा। चलो फिर मिलेंगे, फिर देख लेंगे आके बाद में। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? ठीक है चलो बाद में बात करता हूं। बाबूजी मुझे काम चाहिए। अरे तुझे काम की क्या जरूरत है भाई, काम तो हम कर लेंगे, आप तो हैं कुर्सी पे बैठो। भाई साहब मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसे कमाने हैं। अच्छा काम करना? अरे यहाँ भाई इसे ले जा और वहां गट्ठर ढाने पे लगा दे। पिताजी पैसे। जा गिर देने कुएं में। तुम ही गिर दो, मेरे पे ना गिरे। ये तेरी पहली कमाई है इसलिए मैं रख रहा हूं, पर आएगा रोज रोज देने के बजाय मुझे कमा के इकट्ठे दे दिया कर। अनिल ने दिए। मैंने ना दिया आज उसे पैसे। पता है तेने ना दिए, ये अनिल की मेहनत की पहली कमाई है।
बेटा दूध पी लिया, मेज पे धरी आई थी मैं। मकर राम राम, राम, राम जी राम राम। शिव कुमार जी आओ बैठो, लो हुक्का पियो। चौसा मैं ना पीता हुक्का। अच्छा अच्छा, और सुनाओ कैसे आना हुआ? आना क्या था चौसा, 5,000 रुपए की जरूरत थी, अगले महीने ही लौटा दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भगवान एक 5,000 रुपए ला दिए। चौसा एक बात समझ में नहीं आ रही, अनिल इतने बड़े परिवार को होते हुए फैक्ट्री में नौकरी कर रहा, आप तो हमारे जैसे 100 को पाल दो। अरे मेहनत ही तो कर रहा है, चोरी तो ना कर रहा। काम करने तक कोई छोटा बड़ा ना होता, ना कभी कोई काम छोटा बड़ा होता। बड़ी बात तो ये है कि वो काम तो कर रहा है। शिव कुमार जी, जिन बालकों को कराया कराया मिल जाना, वो बाप दादा की जायदाद का नाश ही करते देखे हमने। अनिल करके तो खा रहा है, हमें इस बात का घमंड है कि अनिल हमारा बेटा है, हमारा गमेरा बेटा। जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो सारी दुनिया ना रोके डगर को, हट जाए सारी दुनिया ना रोके डगर को, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो, दिल में मेरे बसा जो उसका ही असर है वो। ओ हो दिखता है उसका जलवा, चारों तरफ मजे तो दिखता है उसका जलवा, उसने सिखाया जीना वो ही है मेरी दुनिया। बीत
बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो बीतेगा अब खुशी ते जीवन का सफर है जो हो हो तुझको ही पाना है। कैसा गजब असर है उस मेरे यार का, कैसा गजब असर है उस मेरे यार का, तपती दोपहर भी लगे मौसम बहार का। जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो। कमान लग गया और मेहनती भी हो गया। अनिल और आरती के रिश्ते की बात इब कर लेते। हाँ पिताजी, अब तो अनिल सुधर गया है, अब करा दो इसका और आरती का रिश्ता। बेटी मैं करा तो देता, पर अब तो आरती का रिश्ता अश्वनी तो हो चुका। अश्वनी से? इसी वाले अश्वनी से? वो तो बहुत खराब लड़का, उसका तो पूरा का पूरा कुनबा खराब है, वहां तो आरती की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ यही बात, यूं ही समझाने के लिए तो मैंने विनोद को भेजा था सुरेंद्र के पास, पर उसने इसे ही उल्टा सीधा कह दिया। कोई बात ना पिताजी, अगर बात बनती है तो बना लो। भाई देख, मेरी तो हिम्मत पड़ना रही अब वहां जाने की। पिताजी क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भी उसी घर की बेटी हूँ, मैं समझाऊंगी उन्हें।
आरती का रिश्ता उन्हें मारे आना करना तो ना सही, पर अश्वन की गाल करके मैं उसकी जिंदगी खराब ना होने देने क्यों। ठीक है बेटी, जैसी थारी मर्जी। काड़ू वो नहीं यार, अनिल की चेली। अच्छा वही जैसा साइकिल पे लिए फिरे था। हाँ हाँ वही वही। अरे क्या हुआ उसका? अरे मैंने सुना उसका रिश्ता हमारे गांव में हुआ है, और वो भी अश्वनी की गैल। अजी हाँ, क्या कह रहा तू राजू? अरे सही कह रहा मैं। अरे तुझे कैसे पता? अरे रात अश्वनी मेरे साथ बैठा हुआ दारू पी रहा था, तब पी के फिर उसने मुझे बताई। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उनने मुझे बताई कि अनिल के आ रहे के वह पेपर दे के गई है, तब मुझे विश्वास आया। अरे बहुत पिटा उसके चक्कर में उसने हमें। आज हमारी बारी है, चलो अश्वनी के दौरे चले। चलो उसे चढ़ाऊंगे फिर बताऊंगे अनिल को। चलो चलो। अश्वनी के डबे भाई। अरे आओ भी आओ बैठो। अरे मैंने सुना तेरा रिश्ता आरती की गल्ला हुआ। हाँ हुआ तो है यार, वह तो बहुत केली खाई है। अश्वनी उस तो अनिल ने बड़े मजे लिए, कदी उसे साइकिल के पीछे बिठावे, कदी उसे साइकिल के आगे बिठावे हर टाइम। चलो पिताजी। राम राम। राम राम लाली, आजा। अकेली आई है, पावना ना आया? घर में सब राजी खुशी तो है? घर में सब बढ़िया है, पिताजी आए साथ, अकेली ना आई हूँ मैं। फिर संदीप कहाँ रह गए? जोय साहब, आप तो खम्मा खा बड़े करे मेरे ऊपर। मेरे कहने का मतलब यूँ थोड़े ही है कि आप आरती का रिश्ता हमारे घर में ही करो, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस घर से नाता जोड़ना चाह रहे हो वो आरती के लायक ना है, उसमें तो अड़छड़ और बेईमानी भरी पड़ी। आरती मेरी बेटी है, तेरी ना है, उसके लिए की अच्छा है की बुरा उसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। और तुम जैसे दहेज के लोभियों को किसी को सलाह देने की औकात क्या है? कुछ भी ना। आप कैसी बात कर रहे हो जी साहब? दहेज का तुम्हारे घर में मतलब ही ना है, हमने तो बड़े बेटे का ब्याह भी बिना दहेज के कराया। पर मौसा जी, गिरगिट की तरह रंग बदल के पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ कहने वाले बहुत लोग देखे हमने, हमें ना देनी दहेज के लोभियों को अपनी बहन। आसू तुझे छोटे बड़े से तमीज नहीं है बात करने की? तू चुप रहे, ठीक कह रहा हो। दहेज के लिए हमारे पास ज्यादा देने को कुछ ना है, किसी और का जाकर दरवाजा खटखटाओ। और सलाह देने के लिए शुक्रिया चौधरी साहब, नमस्कार। नमस्ते। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए, अक मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मतलब आरती उस घर की बहू न बन जावे, इसलिए तुमने उनके दिमाग में बहम डाल दिया, उनकी सच्ची बात को घुमा दिया, दहेज का ढोंग रच दिया। अब मुझे इस घर में एक पल नहीं ठहरना, जा रही हूँ मैं। बेटी सुन तो सही, मैं मानता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने सब कुछ तेरी खातिर ही तो किया, तुझे उस घर में कुछ कमी ना हो, तेरे से कोई चीज छीन ना जावे। आरती तेरे से हर मामले में चार चंदे आगे, तेरी उस घर में कदर कम ना हो जावे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसका मतलब पिताजी तुम उस घर में मेरे लिए लड़का नहीं पैसा और सुख साधन देख कर आए थे? ना बेटे, ऐसी बात ना है। यही बात है, अगर पैसे के अलावा तुमने इंसान की परख करी होती तो आज तुम उन लोगों को समझ गए होते, स्वर्ग से भी सुंदर है वो घर। और तुम्हारी इस हरकत ने अनिल और आरती के रिश्ते के बीच में जो बुरा असर पैदा किया है, पता ना कौन सा पश्चाताप तुम्हें भगवान से बचाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ, लालच ने मेरी आंख बंद कर दी थी। जिस तरह तू मेरी बेटी है, आरती भी तो मेरे भाई की बेटी है, मेरी ही बेटी है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था, मैं पहला गया था। मैं तेरा गुनहगार हूं। चल चल सुरेंद्र भाई के पास चलते, अगर आज मैंने पश्चाताप नहीं किया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, तो बाप से बेटियों का विश्वास उठ जाएगा। बेटी आ
ताऊ जी राम राम। भैया तुम जानो, तुम क्या कह रहे हो? देख भाई, बेटे के प्यार के लालच में मुझसे ऐसी गलती हो गई, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तो आरती का ब्याह अनिल की गैल कर दे। हाँ चाचा जी, ये सही कह रहे हैं, और मेरी बात मानो तो अश्वनी से रिश्ता तोड़ दो, वो तो पूरा परिवार ही बेकार है। और अनिल की तरफ देखो, मैं मानती हूँ वो काम से जी चुराता था, लेकिन था है नहीं। आज वो आरती के लिए कितनी मेहनत, कितना संघर्ष कर रहा है, ये मैं आज आपको बता भी नहीं सकती। पर मैंने तो अनिल के पिता को बेइज्जत करके भगा दिया। यू के कर दिया? आरती को चाहने वाला लड़का फिर शायद ना मिले। चलो रोक लो उन्हें, मला लो उन्हें। अरे कैसे करनी सी काट रहा है? देखो मुझे जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है, उस दिन की अधूरी मुलाकात को तो पूरी कर ले। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैंने ये सब काम छोड़ दिए। मेरी तो खेलने कूदने की उम्र है, ला यू जेब का माल हमें दे दे। ले लो इसे, छोड़ छोड़ दो। मार उस पर देखा, किसने बहुत मारा मन। I'm
पिताजी मुझे एक मौका और दो पिताजी, मैं आपको फिर पैसे कमा के दिखाऊंगा पिताजी, मैं आपको फिर इकट्ठे करके दूंगा पैसे। सब कुछ खत्म हो गया अनिल, कुछ नहीं बचा अनिल, कुछ नहीं बचा। मौसा जी मैं घर छोड़ के आई हूँ मौसा जी, मुझे अपने साथ ले चलो मौसा जी, मैं आज से आपके साथ ही रहूंगी मौसा जी। आरती बेटे, आज भी हमारी नजर आवत तेरी वही इज्जत है जो पहले थी, आज भी हम दिल तक अपने परिवार की बहू बनाना चाहवा तने, पर बेटे इस तरह नहीं जिस तरह से तू अपने घर की मर्यादा लांघ कर आई है। मैं मानता हूँ कि आज सुरेंद्र मेरे तो नाराज है, पर इसका मतलब यो तो नहीं कि मैं अपनी गलत हरकत करके उस परिवार के कलंक लगा दूं। तू वापस लौट जा बेटे, तू वापस लौट जा बेटे, तू चली जा वापस। भाई साहब मुझे माफ कर दो, तुम दोनों के दिलों के बीच गलत फहमी की दीवार पैदा करने वाला मैं ही हूँ। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ जो इन बालकों को भुगतना पड़ रहा और आप दोनों परिवारों में फूट पड़ गई। मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे माफ कर दो। हाँ भाई साहब मुझे माफ कर दो, मेरी भूल हो गई, मैं सच्चाई को नहीं समझ पाया, बहकाए में आ गया था। मौसा जी हमसे गलती हुई है जो हम आपकी सही बात को भी गलत मान बैठे, और हम मानते हैं हमसे गलती हुई है और हम इसके प्रायश्चित के लिए तैयार हैं। हाँ पिताजी इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, अब आप भी मान जाइए। बेटे मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पहले से तैयार हूँ। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो वो भगवान नहीं हो जाएगा, मुझे कोई गिला सिखवा नहीं चाहिए। आ बेटे सच जहाँ का मोती हो वहीं तो पिरोया जाएगा। अब तू जाके नहा लिए बेटे। जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो, जो दिखा गई जमाना तेरी ही नजर है वो।